हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट डब्लू ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज सब स्पेस। यानी वेक्टर स्पेस का कोई नॉन एम्प्टी सेट डब्लू सब स्पेस है इफ़ एंड ओनली इफ़ डब्लू इज क्लोज्ड अंडर द वेक्टर एडिशन और इसके एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर डब्लू जो है ना वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्लोज्ड है, मतलब थ्योरम ये है बेटा, यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा हुआ है कि अगर डब्लू सब स्पेस हैं तो डब्लू जो है ना अंडर द एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्लोज्ड हैं। ओके, अगर सब स्पेस हैं, ये दोनों ऑपरेशन होल्ड करता है, और अगर ये दोनों ऑपरेशन होल्ड करता है तो सब स्पेस हैं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट अगर वो सब स्पेस है, अगर सब स्पेस है, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों होल्ड करता है, और अगर वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है तो सब स्पेस है। एक चीज़ मानते हुए चलूँगा, दूसरी प्रूफ दूँगा। ओके, मैंने यही कहा कि सपोज दैट क्या माना भाई मैंने, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस किसका सब स्पेस है ऑफ वी एफ। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बच्चों कि अगर मेरे पास डब्ल्यू जो है ना सब स्पेस है, ठीक है ना, मैंने सब स्पेस की लास्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन दी थी कि भाई सब स्पेस जो है ना वेक्टर स्पेस का छोटा सा पार्ट होता है जो वेक्टर स्पेस की हर एक कंडीशन को पास करता है। ओके, ठीक है ना, फिर बता रहा हूँ, वेक्टर स्पेस जो सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का छोटा सा पार्ट होता है, यानी उसका सबसेट होता है, और वेक्टर स्पेस की हर एक कंडीशन को पास करता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर डब्लू जो है ना सब स्पेस है, तो जाहिर सी बात है अगर डब्लू सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस का, देन W इज क्लोज्ड अंडर द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये कंडीशन तो पास हो चुकी, अब मैं रिवर्स चलूँगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट हम लोगों को क्या साबित करना है भाई, वी वांट टू प्रूव दैट कि मेरे पास जो W है ना, W इज ए वेक्टर सब स्पेस। भाई जाहिर सी बात है वेक्टर सब स्पेस दिखाने के लिए मेरे को दिखाना होगा इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव जो है ना आइडेंटिटी होना चाहिए। ओके, दूसरी बात यह है इसके अंदर जो है ना एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए और ये ग्रुप होना चाहिए। अगर आपने जो है वेक्टर स्पेस को मेरे लेक्चर सीरीज को बहुत ध्यान से पढ़ा है, तो पहली चार प्रॉपर्टी जो होती थी वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती थी, एसोसिएटिविटी होती थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती थी, और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होती थी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के केस में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी, एडिशन के केस में कोमोटेटिविटी भी थी, फिर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ चलता था। मेरे को दिखाना है कि W जो है ना क्या क्या है, W को मेरे को दिखाना है कि W वेक्टर स्पेस है। भाई अब यहाँ से सुनो बेटा, W जो है ना सबसेट है किसका, वी एफ का, ये तो है ही। मेन चीज़ जो मेरे को दिखाना होगी इसके अंदर, अगर मैं एक चीज़ प्रूव कर दूँ कि इसके अंदर सबसे पहले जो है ना एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट है। ओके,
और दूसरे नंबर पर जो है ना, मैं ये प्रूफ कर दूँ कि इसके अंदर जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी है, तो भाई कमोटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और प्रॉपर्टी तो सारी हो ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसका सबसेट है। ओके, मैं यही दो प्रॉपर्टी इसके अंदर शो करूँगा। पहले वाली प्रॉपर्टी में शो करूँगा, मैं कोशिश करूँगा क्या इसके अंदर एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स होने का मतलब अगर हर एक एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट होता है और इसके अंदर जो है एडिटिव आइडेंटिटी आती है, हर एक एलिमेंट की एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो हर एक फिर क्लोजर भी पास हो जाएगी, एसोसिएटिविटी पास हो जाएगी, इन्वर्स सब कुछ पास हो जाएगा। इसी को चेक करने की कोशिश करता हूँ क्या है या नहीं, देखता हूँ। गिवन दैट W इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, इस ऑपरेशन के थ्रू क्लोज्ड है। ओके, अगर W के अंदर कोई भी एलिमेंट है, सपोज दैट W के अंदर कोई भी एलिमेंट है, ओके अगर मान लिया जाए x जो है, फॉर ऑल की बात कर रहा हूँ बेटा, हर एक एलिमेंट के लिए अगर x w के अंदर है, तो मेरे को क्या दे रखा है, f इज ए फील्ड है ना, f तो फील्ड होगा, f इज फील्ड। अगर फील्ड है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है, जो पॉजिटिव अगर एलिमेंट होगा तो नेगेटिव एलिमेंट भी होगा, और दूसरी बात यह है हर एक एलिमेंट का, नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट होगा। ओके, तो और इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, यानी इसके वन के अंदर वन भी होगा। ओके, क्यों फील्ड क्यों है, वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस, यानी फील्ड पहले से ही मेरे को गिवन है। एफ अगर फील्ड है तो जाहिर सी बात है वन बिलोंग टू एफ होगा, अगर वन बिलोंग टू एफ है तो जाहिर सी बात है माइनस वन बिलोंग टू एफ होगा। कैसे, एफ जो है ना मेरा फील्ड है, एवरी फील्ड इज ए ग्रुप, ये सी पार्ट वन की तरफ पहुंचो, जो फील्ड होता है वो ग्रुप होता है, बट एवरी ग्रुप इज़ नॉट फील्ड। अगर फील्ड है तो जो है ना फील्ड के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स एलिमेंट भी है, और अगर दोनों हैं तो जब मैं इसके ऊपर स्केल मल्टीप्लीकेशन लगाऊंगा तो रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा, माइनस वन इंटू एक्स बराबर कितना निकलेगा, माइनस एक्स बिलोंग्स टू डब्लू। अब यहाँ से सोचो बेटा, अगर x जो है w के अंदर है और माइनस एक्स भी w के अंदर है, ओके, तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि इसका एडिटिव इन्वर्स भी w के अंदर है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मान लिया मैंने कहा कि पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, हर एक एलिमेंट के लिए मैंने कहा कि w का कोई एलिमेंट उठा लो आप, कोई भी एलिमेंट उठाया आपने, ओके, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया है वी एफ इज ए वैक्टर स्पेस, एफ तो फील्ड है, अगर एफ फील्ड है तो एफ के अंदर वन होगा ही होगा 100%। अब अगर फील्ड के अंदर जो है ना आइडेंटिटी एलिमेंट वन है, एवरी फील्ड इज ए ग्रुप, आप इस चीज़ को जानते हो, तो फील्ड के अंदर माइनस वन भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, अगर माइनस वन है, मेरे को दिखाना है गिवन दैट डब्ल्यू इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, साफ साफ दिया हुआ है कि डब्ल्यू जो है ना मल्टीप्लीकेशन के थ्रू क्लोज है। चलो भाई, जब मल्टीप्लीकेशन के थ्रू क्लोज है, एक वैक्टर का एलिमेंट दूसरा फील्ड का एलिमेंट, मैंने दोनों की गुणा करके देखी, एक वैक्टर का एलिमेंट दूसरा फील्ड का एलिमेंट, दोनों की गुणा की, गुणा करने के बाद मेरे पास निकला माइनस का एक्स, हर एक एलिमेंट में माइनस का एक्स। इसका मतलब क्या निकला कि अगर एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू है तो माइनस का एक्स बिलोंग टू भी डब्ल्यू है। ओके, तो इसका मतलब ये निकल गया कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट ओके, यानी हर एक एलिमेंट का जो है ना क्या एग्जिस्ट हो रहा है, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट हो चुका। अब बात करते हैं आगे की तरफ, चलते हैं बेटा, अब बात करते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी की, देखता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी है कि नहीं। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि W इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन, W is closed given that, साफ साफ दिया हुआ है given that W is closed vector addition
ओके यहाँ से देखना बेटो, मैं कह रहा हूँ कि डब्ल्यू इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का मतलब ये निकलता है कि अगर मान लिया फॉर ऑल, हर एक एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, मान लिया जाए मेरे पास एक्स जो है वो डब्ल्यू के अंदर है, ओके तो जाहिर सी बात है इससे पहले ऑपरेशन के थ्रू मैं आपको दिखा चुका हूँ कि भाई माइनस का एक्स जो है ना, माइनस का एक्स भी डब्ल्यू के अंदर है, ओके जब मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ से निकल करके आता है माइनस का एक्स प्लस का एक्स इजिक्वल टू कितना होगा, ज़ीरो, ओके तो जाहिर सी बात है ज़ीरो बिलोंग टू द डब्ल्यू। सवाल पैदा होता है सर ऐसे कैसे, बेटा ध्यान से सुनना, डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू जो है ना डब्ल्यू, ओके सॉरी मैंने गलत बोल दिया, डब्ल्यू वेक्टर स्पेस नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से देखो आप कि मेरे पास जो वेक्टर एडिशन की बात है, एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू है, माइनस का एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू है, अगर प्लस का एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू है, माइनस का एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू है, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा, दोनों को जोड़ने के बाद जो भी एलिमेंट्स मेरे पास निकल करके आएगा वो भी डब्ल्यू के अंदर होगा। मैंने दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद मेरे पास क्या निकल करके आया, ज़ीरो निकल करके आया, ज़ीरो भी डब्ल्यू के अंदर होगा। और अगर ज़ीरो डब्ल्यू के अंदर है तो आप क्या कहोगे, सो दैट, आप सीधा सीधा लिखोगे सो दैट ज़ीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, ऑफ डब्ल्यू। आगे देखना बेटा, क्लियर है ना, नाउ जो मेन चीज़ थी आपके पास इन्वर्स भी आ चुका, इन्वर्स आ चुका आपके पास, एडिटिव एलिमेंट आ चुका, नाउ डब्ल्यू इज एबिलियन ग्रुप। अब आप कुछ भी प्रूफ करते रहो यार चलेगा, डब्ल्यू इज एबिलियन ग्रुप, ओके अंडर द वेक्टर एडिशन। देखना कैसे एबिलियन ग्रुप कैसे है, एबिलियन ग्रुप होने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर जो है U कोई W का एलिमेंट है, V कोई W का एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है U प्लस के V भी जो है ना W का एलिमेंट होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये आ चुकी, U प्लस के V प्लस के W, जाहिर सी बात है जो है ना ये भी जो है ना वेक्टर स्पेस W का ही एलिमेंट होगा। क्लियर, आइडेंटिटी मैंने यहाँ बता दी, इनवर्स मैंने यहाँ बता दिया, ओके कॉमटेटिव अगर आप जानना चाहते हो तो U प्लस के V बराबर V प्लस के U होता है, U प्लस के V या V प्लस के U ये भी बिलोंग टू द W होगा, नो प्रॉब्लम, ओके सो दैट लास्ट में मैं लिख रहा हूँ सो दैट W इज क्लोज्ड, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ है, अंडर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो एंड डब्ल्यू सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस सो दैट डब्ल्यू इज ए सब स्पेस। एक बार फिर कह रहा हूँ बेटा, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि सारी की सारी कंडीशन पास होगी, जहाँ ख़तरा था मैंने वही दिखाई, एक ही है और एक ही है भाई। वेक्टर को कितनी भी बार जोड़ो कितनी भी बार घटाओ, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, उसके बाद कमोटेटिविटी, ये तो पास होती ही होती हैं। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है कि वेक्टर एडिशन भी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, ख़तरा था इस प्रॉपर्टी के ऊपर और ख़तरा था जो है एडिटिव इनवर्स के ऊपर, वो दोनों भी पास हो चुकी, अब तो वेक्टर स्पेस बन ही जाएगा भाई, ओके बाय।